कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। सरकार ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को 1,10,00,000 डोज के ऑर्डर दिए हैं। सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप देश के अलग अलग शहरों में पहुंचने भी लगी है। स्पाइसजेट का विमान वैक्सीन लेकर दिल्ली पहुंच गया। वैक्सीन को कंटेनर से कड़ी सुरक्षा के बीच राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इसे स्टोर किया जाना है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन की कीमत की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। सरकार की ओर से बताया गया कि सीरम इंस्टीट्यूट से भारत सरकार ने वैक्सीन के 1,10,00,000 डोज का फिलहाल ऑर्डर दिया है। इनकी कीमत 200 रुपए प्रति डोज टैक्स छोड़कर है। भारत बायोटेक की वैक्सीन के 55,00,000 डोज का ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है। इनमें से 16.5 लाख डोज भारत सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जबकि 38.5 लाख डोज की कीमत 296 रुपए प्रति डोज होगी, वो भी टैक्स छोड़कर। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, पूरा देश कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि वो कोरोना की सबसे सस्ती वैक्सीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को 200 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दे रहे हैं। ये कीमत पहले 100 मिलियन डोज की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का ऑर्डर मार्च तक 5 से 6 करोड़ तक जाएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।